लीजिए चाय ले। ओ शुक्रिया। अच्छा वो कल रिश्ता करवाने वाली आई थी, वो सभा के लिए बता रही थी कि बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। सलमा मैं तो एक्चुअली बस इंतजार कर रहा था कि इसके पेपर्स खत्म हो तो ये बात तुमसे करूं। अच्छा है ना, बेटियां अपने अपने घरों की हो जाएंगी और फिर सभा के पेपर्स खत्म हो जाएंगे तो इसकी एजुकेशन भी तो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ हो सकता है शायद आज वो लोग आ जाएं, इसीलिए तो मैंने आपको फोन करके बुलवा लिया। अल्लाह ताला हमारी दोनों बच्चियों का नसीब अच्छा करे। अरे सारा बेटा आओ आओ। अब्बू वो सनी की फीस फिर आ गई है। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर आ गई, इसका क्या मतलब है? ये तो हर महीने आएगी ना। लाओ मुझे दो, मैं बैंक में जमा करवा दूंगी। अम्मी मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। तो बेटा बोलो ना, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो आज, ये बताओ। अबू मैं जॉब करना चाह रही हूँ। क्या जॉब करना चाहती हूँ, मगर क्यों बेटा? ये क्या हो गया बेटा तुम्हें? अरे हमारे घर में कोई किसी चीज की कमी है जो तुम जॉब करना चाह रही हो? ये बात नहीं अम्मी, छोटी छोटी चीजों के लिए आप लोगों को परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा जब तुम छोटी सी थी ना तो बहुत सारी फरमाइशें किया करती थी और तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करके बहुत खुशी होती थी हमें, और तुम तो हमारे लिए अब भी वैसी हो बेटा। नहीं अम्मी अब मैं वो नहीं रही। क्या हो गया तुम्हें सारा, कैसी बातें कर रही हो तुम आज? अब्बू मैं ठीक कह रही हूँ, सनी मेरी औलाद है, अल्लाह ने उसे बाप का साया तो छीन लिया, लेकिन सनी जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना, आपकी नहीं है। सारा बेटा ये बात करके तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। बेटा क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? देखो अभी तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, तुम उसकी देखभाल करो, क्या हम तुम्हें संभाल नहीं सकते? जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। प्लीज सोचिएगा जरूर। सारा क्या हो गया इस लड़की को? आजकल अपने आप को कुछ ज्यादा ही तनहा महसूस करने लगी है। मैं समझती हूँ इस बात को, इसीलिए तो मैंने वो रिश्ते करवाने वाले से भी कहा है कि सारा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखे। हाँ ये तो है, तुम ऐसा करो सलमा के इसकी पॉकेट मनी में इजाफा कर दो जितना भी कर सकते।